बोलो सियावर रामचंद्र की जय। काक बसुंडी जी यहाँ पर कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, बैन तय सुनु शंभु तब आए जहां रघुवीर, बिना करत गद गद गिरा पुरित तिलक शरीर। तब शिव जी वहां आते हैं और जहां श्री रघुवीर जी थे, और गद गद वाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया और वे बड़े आनंदित दिख रहे हैं और कह रहे हैं जय राम रामा रमन समन बहुताप भया कुल पाही जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो। शिव जी कहते हैं कि हे राम, हे राम रमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए, हे अधिपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड में तेज से भस्म हो जाते हैं। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हैं, हुए इन मामर अनाथ जीवों की रक्षा की। शिव जी कहते हैं बहु रोग वियोगिनी लोगे, भव दंद्री निरादर के फल, भव सिंधु अगाध पर नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोग और वियोगों से मारे गए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदासीन और दुखी रहते हैं। उन्हें और उन्हें जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय रहते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर चलते हैं। गुणशील कृपा परमायतन परनमामि निरंतर श्री रमन, रघुनंद निकंद द्विंदगन महीपाल बिलोके दीन जन। आप शिव जी कहते हैं कि आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्विंद समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जान की ओर भी दृष्टि से मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति हमेशा प्राप्त रहे। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले जाते हैं। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरण कमलों में सबका प्रेम है। उन्होंने दीन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत जाते हैं। ये सब मुझे प्रिय है परंतु तुम्हारे समान नहीं है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, यह मेरा स्वभाव। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, मेरा तो दास स्वाभाविक ही विशेष है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से भजते भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहां विसरितन गए, एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहिं कछु कहीं अति अनुरागे।
प्रभु के वचन सुनकर सब सब के सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह थे कि शुद्ध बुद्ध सबकी भूल। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए, अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा और उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही ने बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे अच्छे अंगद बैठ ही नहीं रहे हैं। वे अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं हिलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हृदय धरे राम रूप सब चले नाई पद्मात। जामवंत और नीलादि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के रूप को धारण करके उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस गोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र था, मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोलते हैं कि सुनु सर्वज्ञ कृपा सुखी सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरति बेर नाथ मोहि बाली, गय हूँ तुम्हारे पहुंचे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा सागर, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आरतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डालकर गया था, अतः मैं हे भक्तों के हितकारी अपना असरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं, मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहीं नहीं। तुम्हें बिचारी कहूं नरनाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा, बालक ज्ञान बुद्धि बल ही ना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, ऐसा ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखना। अंगद वचन विनित सुनी रघुपति करुणासीन, प्रभु उठाई उरलाय सजल नयन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भरा। तब भगवान ने हृदय अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाले पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई कराई। भरत अनुज सोमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितव राम की ओरा।
भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले गए। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं था, अर्थात वे बार बार फिर फिर कर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। अथा प्रेम अंगद के अंदर भरा हुआ था। बार बार कर दंड प्रणामा, और बार बार वे दंड प्रणाम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मन अस रहन कही मोहि रामा, मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को क्यों नहीं कह रहे हैं। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, वे श्री रामचंद्र जी के देखने को देखने की और बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलने, तथा हंस हंस कर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले जाते हैं। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचा कर भाइयों सहित भरत जी लौट आते हैं। अब नंबर आता है हनुमान जी का। हनुमान जी तब सुग्रीव चरण गही नाना, फांति दिने की नहीं हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखिए हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेकों प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव दस कुछ दिन श्री रामचंद्र जी के चरण की सेवा मुझे कर लेनी दीजिए और फिर मैं आकर आपके चरणों के सेवा करूंगा।